सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियोज़। एंड इस वीडियो में हम ले ऑफ ट्रैकर के बारे में बनाएंगे, ओके, फुली ऐप फ्रॉम स्क्रैच टू एंड हम बना के देखेंगे, ओके। फॉर द डेटा पर्पस मैंने मीन्स हम डेटा को मॉक करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, राइट, कि किस कंपनी ने कितना ले ऑफ किया, किस कंपनी ने कितना किया है। तो आवर टारगेट फॉर दिस वीडियो इज़ टू मेक अ रिएक्ट ऐप, ओके। तो कैसे, लाइक अगर आपके पास सपोज आपके पास ये टास्क आ जाता है कि आपको एक ले ऑफ ऐप बनाना है, तो हाउ यू विल डिज़ाइन द थिंग्स, हाउ यू विल थिंक अबाउट दिस। और हम इस ऐप, इस वीडियो में हम लाइक फॉर दिस ऐप हम पैटर्न फ्लाई का यूज़ करेंगे। पैटर्न फ्लाई एक डिज़ाइन सिस्टम है जो कि हमारी हेल्प करता है, कि लाइक कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं हम, बेसिकली इसका खुद का डिज़ाइन सिस्टम है, खुद की CSS ये प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंड ये लाइक मीन्स फुली रेड हैट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो मैं मीन्स आपने देखा होगा कि मैं मल्टीपल डिज़ाइन सिस्टम मोस्टली यूज़ करता हूँ इन आवर मीन्स मेरी खुद की वीडियोज़ में। क्यों? क्योंकि आप यूज टू हो जाए, कि आपको पता लगे हो कि मल्टीपल डिज़ाइन सिस्टम है, वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप वो डिज़ाइन सिस्टम यूज़ कर सकते। इस वीडियो में मैं पैटर्न फ्लाई यूज़ करने वाला हूँ, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उनके कॉम्पोनेंट्स कैसे फॉलो करेंगे, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो अगेन मीन्स उसके अलावा कि आपको पता है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, ओके। तो मीन्स ये बहुत बहुत सैड न्यूज़ होती है जो लाइक इस प्रोसेस से मीन्स इस प्रोसेस से गुजरता है, कि अगर किसी एम्प्लॉय का ले ऑफ हो जाए तो उसके लिए बहुत बैड न्यूज़ होती है ये। बट मीन्स एवरी कंपनी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ उनके बजट्स होते हैं, तो उनको फॉलो करने पड़ते हैं वो, राइट। तो मीन्स हमको ऑलवेज लाइक भी जो हमको पे कर रहा है ऑब्वियस है, वो मीन्स उसके उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तभी ले ऑफ कर रहा है, अदरवाइज कोई ले ऑफ करके हैप्पी नहीं होता, राइट। एंड मेरे पास लाइक मैंने क्या किया है, जैसे बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो ले ऑफ का डेटा हमको प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे मैंने ले ऑफ डॉट एफ वाई इससे डेटा मीन्स इसका थोड़ा डेटा यूज़ किया है, ओके। तो अगर आप देखोगे इन्होंने बहुत सारे फिल्टर्स एंड ऑल थिंग्स दिए हुए हैं, बट हमारा टारगेट ये। एंड मीन्स यहाँ पर देखो कि हर कंपनी का लाइक लोकेशन क्या है, कितने ले ऑफ किए एम्प्लॉयज़ एंड ऑल थिंग्स, और यहाँ पर सर्च फिल्टर, हाइड फिल्टर, सब पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है। बढ़िया मीन्स काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इफ़ यू वुड लाइक टू गो थ्रू इट। एंड एक और है ले ऑफ स्टेकर, ओके। सो अगेन ये भी मीन्स ये भी सेम ले ऑफ का इंफॉर्मेशन देती है, ओके। सो अगर आप देखोगे तो ये भी सेम ले ऑफ्स के इन्फॉर्मेशन दे रही है। मेरे पास कोई लाइक मेरे को API नहीं मिला कि मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे को, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेटा को मॉक कर दिया। और वन ऑफ माई फ्रेंड दीपक कॉल, ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छा कोट लिखा था मीन्स लिंक्डइन पे, कि मीन्स जब बर्ड होता है वो अगर एक उस पर ब्रांच पे बैठा है तो वो मीन्स ट्रस्ट नहीं करता ब्रांच पे, वो ट्रस्ट करता है खुद के विंग्स पे, कि अगर बाई चांस ये ब्रांच टूट भी गई मैं फिर भी उड़ जाऊंगा, ओके। सो ऑलवेज अगर हम अपने लाइक अपने लाइफ में देखें तो ऑलवेज हमको अपनी नॉलेज पे बिलीव रखना चाहिए, ओके। सो क्या हुआ कि अगर एक कंपनी ले ऑफ कर दिया तो हम दूसरी कंपनी में स्विच कर लेंगे, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आइदर आर यू एबल टू डू इट और नॉट, ओके। अगर आपको पता है कि यार अगर हो भी जाए तो क्या है, कि हम मीन्स मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं दूसरी कंपनी में बड़े इजिली स्विच कर लूँगा, तो ये मीन्स आपके अंदर गट्स होने चाहिए, राइट। तो मीन्स ये तो ठीक है, एक मोटिवेशन की बात है, मीन्स जब आप किसी के साथ भी होता है तो उस बंदे को पता लगता है, बट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ओके। मीन्स हमेशा जो भी होता है एक अच्छे के लिए होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट पूरी जाके चेक कर सकते हो, रिएक्ट मीन्स रिएक्ट रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट क्वेरी से रिलेटेड, ओके। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, रिएक्ट डिज़ाइन पैटर्न्स, जो भी आपको लाइक वट एवर यू लाइक इट, जस्ट वॉच द वीडियो। एंड मैंने मल्टीपल लाइक लाइव प्रोजेक्ट मीन्स नॉट द लाइव, बट मैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप भी लर्न करो इन सब चीज़ों से। अगर आपको कोई टॉपिक, इफ़ यू वुड लाइक टू कवर एनी टॉपिक, सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर इट, एंड लेट्स ट्राई, ओके। सो इसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, ओके। सो मीन्स जैसे ये पूरा डिज़ाइन सिस्टम पैटर्न फ्लाई करेगा,
एंड सिंपल मॉक डेटा रहेगा. मॉक डेटा मैंने मैंने आपको बता दिया, मैंने इस वेबसाइट से गेट किया, मल्टीपल वेब लाइक दिस वेबसाइट और मल्टीपल वेबसाइट से मैंने गेट किया है. और फिल्टर्स हम प्रोवाइड करेंगे लाइक कॉइन बेस टाइप से फिल्टर प्रोवाइड हो जाएंगे. और कंपनी के नेम जैसे कौन कौन सी हमारी कंपनी से जो ले ऑफ कर रही है या फिर इस टेबल्स में कौन कौन सी कंपनी. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम जैसे टॉप कंपनीज आप यहाँ पर शो कर सकते हो. एंड इसमें हम लोडेस का यूज़ करेंगे, पैटर्न फ्लाई का यूज़ करेंगे, रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे. हमने डेटा मॉक किया बट रिएक्ट क्वेरी का कैसे यूज़ करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पर मेरा मीन्स मेरी थिंकिंग है कि हमको मेरे को आपको स्क्रैच से सिखाना है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड कि कैसे कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या हमको. जैसे आपके पास ये प्रोसेस ये टारगेट आ गया कि आपको ये ऐप बनाना है, तो आपकी थिंकिंग क्या रहेगी, आपके पास सपोज एक जेसन फॉर्मेट में आपका डेटा आ रहा है तो आपकी थिंकिंग क्या क्या रहेगी, कैसे कैसे आपको डेटा को शो करना है, कैसे कैसे आपको थिंक करना है कि नहीं मेरे को ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है. तो वो सब चीज़ों के लिए आपको प्रोसेस करना होता है, आपको पूरा एनालाइज करना होता है हर चीज़ को. तो वो प्रोसेस हम ट्राई करेंगे सीख और विद द हेल्प ऑफ पैटर्न फ्लाई. तो लेट्स स्टार्ट. ओके अगेन मैंने मीन्स कुछ कुछ की पॉइंट्स तो इसमें नहीं थे बेसिकली, जो मेरे फ्रेंड दीपक कौल उसके बारे में मैंने जो उसके उन्होंने पोस्ट किया था ये देख सकते हो, जस्ट फॉर मोटिवेशन. और कंपनी हायरिंग आल्सो दे मीन्स जो बहुत सारी कंपनी ले ऑफ भी कर रही है बट बहुत सारी कंपनी हायरिंग भी कर रही है. ओके तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ट्विटर पे सोर्स पेज है जहाँ जहाँ से मैंने डेटा फेच किया है. ओके डे ऑफ ये न्यूज़ गूगल न्यूज़ के थ्रू मैंने ट्राई किया है डेटा फेच कर. कूल अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बहुत सारे जैसे लोड एस हो गया, बहुत सारी जो हमारे एप्स मीन रिक्वायरमेंट है वो हम डाउनलोड करेंगे लाइब्रेरीज को, और फिर उसके बाद हम अपनी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे. तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा प्रोजेक्ट का टारगेट ये है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैटर्न फ्लाई को इंस्टॉल करेंगे, पैटर्न फ्लाई. और ये पूरा टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है गाइस, मैंने ऑलरेडी जस्ट एक क्रिएट रैप टाइप का यूज़ किया है. ओके टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, अगर आपको देखना हो तो मैंने वो भी कैसे क्रिएट रैप किया. गेट स्टार्टेड टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू देखना ना, तो जैसे या बस ये कॉपी करो और टर्मिनल पे ऐड कर दो, एंड टर्मिनल पे माई ऐप की जगह जो भी आपका नाम देना है दे सकते हो. जस्ट इतना ही किया अभी तक मैंने. तो इसके अलावा हम पैटर्न फ्लाई इंस्टॉल करते हैं. सो पैटर्न फ्लाई को इंस्टॉल करने इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं. ओके डेवलपमेंट यूज़ npm, npm तो हमारे एंड रिएक्ट. ओके गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट. तो इन्होंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी दिया, अगर आपको वो यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर, नहीं तो अगर आपको खुद का इंस्टॉल करना है तो इन्होंने ये भी दिया हुआ है. पैटर्न फाइल हो जाएगा ये इंस्टॉल करना. तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. एंड उसके अलावा हमको लोडेस्ट एंड रिएक्ट क्वेरी हम अब आप पूछ रहे हो रिएक्ट क्वेरी क्यों इंस्टॉल, क्योंकि हमारे पास मॉक डेटा है राइट. बट कैसे वो डेटा को फेच करना है, जस्ट हम बैकएंड को ना कॉल करके मॉक डेटा वहाँ से रिटर्न कर देंगे. बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमको कैसे करना है. और इनका बहुत अच्छा कोर्स भी, इफ़ यू वुड लाइक टू थिंक अबाउट दिस. और मैं रिएक्ट क्वेरी पे इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ पर भी वो जाके देख सकते हो. तो जस्ट ये इन्होंने वो दिया हुआ इनमें क्विक स्टार्ट ये दे रखा है, ओवर व्यू ये है. ये इंस्टॉल हो गया.
यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं npm install lodash एंड एट द रेट टाइप्स lodash भी करना है अपने को. के अलावा अपने को लगेगा lodash हो गया. कूल ये सब चीज़ें हो गया हमारे पास. पैटर्न फ्लाई हो गया, रिएक्ट क्वेरी पेंडिंग है अभी. एरर आया मेरे पास. रिएक्ट क्वेरी का ना लेटेस्ट वर्जन आया है, वो पता नहीं वो क्यों नहीं शो कर रहा है ये. हम एक मिस्टेक कर गए हैं, हमने ना वर्जन 3 इंस्टॉल किया, बट अब लेटेस्ट वर्जन तो अलग है ना, तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा. एक मिनट रुकिए, हम थर्ड वर्जन है, थिंक फोर्थ चल रहा है अभी. रिएक्ट क्वेरी आई ओ थर्ड वर्जन नहीं हमारा है, हमारा है फोर्थ वर्जन हमको इंस्टॉल करना है. सो ये ओपन करना था अपने, हमने वो रॉन्गली इंस्टॉल कर दिया है. गेट स्टार्टेड एंड इंस्टॉलेशन ये था, वो हमने गलती से वो कर, तो ये रिमूव करना है अपने को एंड ये इंस्टॉल करना है. कूल, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा. एक हमको टेबल चाहिए ना, तो टेबल के लिए भी हमको एक चीज और इंस्टॉल करनी पड़ेगी. टेबल एक पैटर्न फ्लाई टेबल करके रहता है. हाँ, तो अपने को इस ये पैकेज को और इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मींस पैटर्न फ्लाई का ये टेबल है. सो इन्होंने क्या किया, लाइक अगर आपको टेबल इंस्टॉल करने मीन्स अगर आपको टेबल यूज करना है तो जस्ट इसको फुल दिस वन इज आल्सो डन दिस वन इज. तो अगर आप देखोगे रिएक्ट करेगा भी ये लेटेस्ट वर्जन 4 चल रहा है, तो हमने लास्ट टाइम थर्ड वर्जन यूज किया था जो कि रॉन्ग था. हमको ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन यूज करना है ना. कूल, आई थिंक सो. ओके, ये हो जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, समटाइम इट टेक्स टाइम. ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हम पेजेस पे जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमको लेआउट बनाना है. तो हमारा लेआउट कैसा रहेगा, सबसे पहले ये हेडर रहेगा और ये बॉटम रहेगा. तो पैटर्न फ्लाई कर देता है उसको हम, उसके लिए हमको देता है पेज. ये पेजेस हो जाएगा. ओके, सो हेडर रहेगा एंड लाइक लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन. तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, मीन्स ये पेजेस कंपोनेंट है, उसमें पेज सेक्शन है मेरा, हेडर रहेगा, साइड नेविगेशन. तो सेम चीज़ हम यहाँ पर बनाने वाले हैं. कूल, ये हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट. तो होपफुली के साथ हम कर लेते हैं, तो बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं. ये पैटर्न फ्लाई लगेगा, ये लगेगा हमको इंस्टॉलेशन होने के बाद. विक स्टार्ट रहेगा हमारा, हमको ये सब चीज़ें लगेंगी अब. तो अब हमारा ऐप तो मींस चल रहा है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप डॉट जे एस पे जाएंगे, ऐप डॉट टी एस सॉरी क्लोज करेंगे.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं एक बार। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट, ठीक है। एंड कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट, ओके। एंड कंपोनेंट्स में मेरा क्या रहेगा, ऐप लेआउट, क्योंकि हमको लेआउट बनाना ना टोटली ऐसे। तो सबसे पहले हम लेआउट बनाएंगे। लेआउट हमारा क्या रहेगा, मींस हेडर एंड बॉटम सेक्शन। ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, रिमूव कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसका नेम कॉपी करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंड चीज की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो अब हमको सबसे पहले चाहिए पेज। पेज किसका कंपोनेंट है, हमारा पैटर्न फ्लाई का। पेज नहीं आया ना, आई थिंक सो। अपने को app.txt पे पैटर्न फ्लाई की CSS इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे मिस्टेक हुई, हमने नहीं इंक्लूड की है इनमें। ये होने के बाद हमको तो हमको अपनी CSS को इंक्लूड करना है, मींस पैटर्न फ्लाई की CSS को इंक्लूड करना है। सो उसके लिए हमको एक यहाँ पर base.tsx फाइल रहेगी, वो हमको इंक्लूड करवानी है। एक तो पैटर्न फाइल है, सिंगल फाइल फॉर द एंटायर कंपाइल्ड लाइब्रेरी, एक होती है बेस वाली। तो वो मैंने ओके सो वो यहाँ पर रहेगी, मीन्स डिस्ट फोल्डर पैटर्न फ्लाई के रिएक्ट कोर के डिस्ट फोल्डर में base.tcss है। ओके तो जस्ट अपने को ये इंक्लूड करनी थी। अब पेज क्यों, कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा, मींस मेकिंग सम मिस्टेक। नहीं, वेट अ मिनट, ये इंस्टॉल नहीं हुआ क्या, पैटर्न फ्लाई कोर नहीं हुआ है, एरर क्यों मार रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ओके एक मिनट, मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, कई बार वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि वो मीन्स इंस्टॉलेशन सही नहीं हो पाती, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं।
देख रहे हो, मीन्स ये इंस्टॉल नहीं था इसलिए इतना टाइम लग रहा है। कूल, इंस्टॉल्ड, अब स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हो गया ना। एंड ये पेज हेडर, पेज ये हम यूज करने वाले हैं। ओके, ऐप लेआउट में तो अब हम यहाँ पर आएंगे, डाल देते हैं। हाँ, तो पेज को एक हेडर लगेगा, एक साइड नेविगेशन, तो हमको चाहिए सिर्फ हेडर। ये हेडर हो जाएगा एंड ये हेडर चाहिए अपने को। ये चीज नहीं चाहिए ना अपने को, पेज हेडर टूल बार क्या चीज बोल रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए अपने को, तो इसको भी निकाल देते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमको चाहिए पेज सेक्शन। ओके, कूल, अब हम ऐप लेआउट को यूज करते हैं यहाँ पर। एक बार निकाल देते हैं, ये किसी काम का नहीं है अपना। ये भी निकाल देते हैं, ये भी किसी काम का नहीं है। को बंद करके हम यहाँ पर मूव ऑन करते हैं। सम टाइम इट टेक्स टाइम। ओके, कूल, ये हो गया एंड ये देखो हो गया। सो अगर आप देख पा रहे हो लोगो बन गया, सेक्शन विद डार्कर बैकग्राउंड। ओके, सो इसको हम चेंज करेंगे अब, बट ये हमारा बेसिक है जो लोगो वो हमारा हो गया, राइट। सो इसको हम जस्ट चेंज कर देंगे, मीन्स ऐप लेआउट में इस चीज़ को हम चेंज कर देंगे। तो ये एक एंकर लिंक बना रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, हम इसके प्लेस पे और कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लगे लाइट। एंड यहाँ पर हम रेंडर करेंगे चिल्ड्रन, सो जो हमारे को प्रॉप से मिलेंगे चिल्ड्रन वो हम रेंडर करेंगे। एंड
अगेन हम इंटरफेस बना रहे हैं टाइप ऑप्स, इस टाइप करेगा चिल्ड्रन रिएक्ट नोड का, क्योंकि रिएक्ट नोड का मीनिंग होता है कि एनी टाइप लाइक स्ट्रिंग नंबर कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. एंड ये हो जाएगा यहाँ पर फुल. एंड यहाँ पर एक चिल्ड्रन चाहिए इसको, तो अगर मैं टेस्ट कर दूँगा तो अभी चलना चाहिए. देखो टेस्ट आ गया एंड लेआउट ट्रैकर में शो हो गया. एंड इसको अब मैं फुल देख रहे हो, तो ये सब चीज़ हो गई है. मीन्स हेडर बन गया एंड इस साइड नेविगेशन बन गया. मीन्स यहाँ पर अब हम ये पूरा पोर्शन रेंडर करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम अब मॉक डेटा बनाएंगे एंड मॉक डेटा के बाद हम यूआई पे रेंडर करेंगे वन बाय वन. सो गाइस मीन्स ये वीडियो मेरी लॉन्ग बन रही है तो मैं सेकंड पार्ट पे करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 27 मिनट की वीडियो बन चुकी है. तो सेकंड पार्ट पे हम मॉक डेटा बनाने वाले हैं एंड ट्राई करेंगे कि यूआई पे रेंडर करें, नहीं तो थर्ड पार्ट में करें. ओके कूल, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग. एंड गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले. थैंक्स ऑल.